हे गाइस, वेलकम टू मोटो प्लीज ब्रांड न्यू वीडियो। आई एम सॉरी, इतना दिनों बाद आप लोग मेरा थोबड़ा देख रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ा लोअर बैक पेन हो गया, तो उसके लिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता था। डॉक्टर ने थोड़ा मना किया था, तो इसलिए नहीं दे पाया था वीडियो वगैरह, लेकिन आएगा। द रिंदम इज बैक एंड द मोटो प्लीज इज बैक। सो आज का जो पूजा है, वो मतलब जो वीडियो है, वो शुरुआत होगा कहाँ से? आपकर गार्डन से। और क्या आपको पता है, आपकर गार्डन बहुत फेमस पूजा होता है दुर्गा पूजा में। और पहली बार तो ये फर्स्ट प्राइज जीता था, राइट? पता है कौन बोल रहे हैं ये बात वो बोल रहे हैं जो मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं। ये है देसी बॉम्ब और इंदम के चैनल में मैं आज पहली बार आ रहा हूँ। और थैंक यू पूजा के व्लॉग में मुझे लाने के लिए। जो देखता है और इंदम का चैनल पता है कि मैं लगभग मोस्ट ऑफ द में रहता हूँ। पता है क्यों पूजा का व्लॉग में आता है? पूजा कौन है? मेरा नाम इंदम है, ये दुर्गा पूजा का व्लॉग है। सलाम पूजा भाई, कट करना पड़ेगा। ओके, सो शुरुआत करता है यहाँ से। और मेरे साथ एक और भाई है जो है सुपर बाइक है, सूर्या। तो देख रहे हो, हेलो। सब ब्लॉगर बन चुके गाइस अपना। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद। सो गाइस, सबसे पहला चीज भाई, मैं डिसअपॉइंट हूँ यार। आपका गार्डन क्या कर रहा था इस बार? पिछली बार इतना सुंदर बना था, राइट? महादेव था एक बहुत बड़ा था। पहला पोजीशन भी जीता था। हाँ, पहली बार मतलब पिछला साल ये वाला फर्स्ट पोजीशन में था, चीनाकुड़ी सेकंड था, और ऊपर कैलाश के ऊपर महादेव का एक मूर्ति था, और अंदर से गुफा जैसा भी था। लेकिन इस बार हमको देख के बहुत बेसिक सा लग रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई कारण हो सकता है, लेकिन पैंडेमिक के बाद ऐसा हमको मतलब वो थोड़ा लग रहा है कि पैंडेमिक के बाद क्यों? पैंडेमिक चलते चलते इन लोग इतना अच्छा बना सकता था, पैंडेमिक के बाद ऐसा। तो चलिए, थीम नाम था बोले दो। क्या नाम है? रोक्तो रोबी। ये है थीम, नाम बोल दो। ब्लड सन। तो रोक्तोरोबी के ऊपर बन रहा है ये वाला चीज़। इसका जो रूट मतलब लोकेशन मैं दे दूंगा, मैं उसको रूट बता देता हूँ। भगत सिंह मोड़ से आप लोग अगर आएंगे तो सीधा आना। आने के बाद जो बीएनआर है, बीएनआर का जो ट्रैफिक सिग्नल मतलब ट्रैफिक लाइट है, उधर से सीधा एक तो रास्ता घुस जाता है सीधा, जिधर से लोग ट्रैफिक पुलिस को मतलब चकमा देकर निकलने के जाते हैं, उस रास्ते में घुस जाइएगा। और फिर आ जाएगा लेफ्ट साइड में टर्न लेकर, तो आ जाएगा आपका आपकर गार्डन। मैं लोकेशन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैनल की तरफ। सो गाइस, हम लोग का फर्स्ट डेस्टिनेशन वो है के सेक्टर पे कल्याणपुर में है। और आप सीधा उधर से निकल जाइएगा, आपके गार्डन के सामने से जो रास्ता निकल रहा है, जैसे मेन रोड में पकड़ लीजिएगा। फिर आपको लोअर कुमारपुर के जस्ट अपोजिट में एक डाउन में रास्ता दिखेगा, उसमें घुस जाइएगा। और साइड में ब्रिज रहेगा, एक सामने में ब्रिज रहेगा, उस ब्रिज के नीचे देखेंगे पानी बहता जा रहा है। तो उसी ब्रिज से आपको सीधा जाके थोड़ा सा राइट में, एक्चुअली लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाकर बस सीधा एकदम रास्ता पकड़ना, फिर उसके बाद आपको लेफ्ट राइट में जाना है, फिर आपको मिल जाएगा के सेक्टर का मठ। के सेक्टर का जो मैदान है, यहाँ पर बहुत अच्छा पूजा हो रहा है। तो आइए। सो गाइस, हम लोग का जो नेक्स्ट पंडाल है वो है के सेक्टर। के सेक्टर आपका वही कल्याणपुर के साइड में पड़ता है। कल्याणपुर का पहला पंडाल है के सेक्टर, पहले यहाँ पे आइए। उसके बाद जो जो और दो है इसके अलावा, उसमें फिर एक कल्याणपुर के खुद का और एक तो के आदि पूजा है, और एक है आपका क्या नाम, नेताजी स्पोर्टिंग। तो बानपुर में भी है। हाँ, इधर भी है कल्याणपुर। हाँ, दो तो है। तो ये वाला हुआ है, देख के तो लग रहा है कि बेसिक सा हुआ है। इधर थोड़ा साइड से देख के लग रहा है, दो साइड से, तो इधर में ही जो सजावट होगा वही होगा। और बीच में लग रहा है कि नॉर्मली जो हुआ है छोटा मोटा हुआ है, हमको लग रहा है। पता नहीं इस बार जो जो पूजा मतलब बड़ा करता था ना, मतलब पिछली बार, वो सब लोग इस बार इतना छोटा छोटा क्यों, हमको पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरे को। तो अगर इसका थीम का नाम बता दें तो ये है इजिप्ट का जो क्लियोपैट्रा थी उनके ऊपर, मतलब उस थीम के ऊपर ये पूरा थीम बन रहा है, पूजा बन रहा है, पंडाल बन रहा। तो बहुत मज़ा आने वाला है सुन के, तो मैं बस फैसिनेटिंग हो गया। देख के जितना छोटा लगा, लेकिन हाँ, थीम का नाम सुन के मेरे को थोड़ा भी मतलब मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया उस पंडाल को देखने के लिए पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो पंचमी के दिन शायद इसका ओपनिंग हो जाएगा, तो आप लोग आके ज़रूर से विजिट कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा अंदर जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा एक्सक्लूसिव है उन लोगों का बना रहे, तो आने के बाद ही मतलब बनने के बाद ही आइए और देख लीजिएगा। अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं ना, ये बहुत आइकॉनिक थीम का बन रहा है। पहले मैं नाम बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं, सत्यजीत राय जो लेजेंड थे हम लोगों का, तो उनका क्रिएट किया गया ना, तो बहुत फेमस कैरेक्टर, उनके ऊपर मूवीज़ भी है, वो एक गुप्पी गायन बाघा बाइन। और ये जो थीम है ना, ये आपका कल्याणपुर का स्कीम टू नेताजी स्पोर्टिंग क्लब, इसका पूरा नाम है इस क्लब का, यहाँ पे बन रहा है।
ये आपका गुप्पी गाइन बाघा बाइन ऐसा थीम, मतलब थीम का नाम है, तो उसके ऊपर ही पूरा बन रहा है। अगर आप लोग मूवी देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, है ना। गुप्पी गाइन मैं थोड़ा बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा, सत्यजीत राय का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोस्ट पॉपुलर मूवी था गुप्पी गाइन बाघा बाइन, ठीक है। और वो लोग भूत का राजा था एक, ठीक है, वो लोग से तीन बॉर्ड पाया था, तीन विशेष पाया था, तो उसी के ऊपर लग रहा है कि इस बार होगा। तो जिन लोगों ने मूवी नहीं देखा अभी देख लीजिए, हीरो का राजा देसे ना वोटा सेकंड पार्ट था, पहला पार्ट करना, तीन पार्ट है, पहला है गुप्पी गाइन बाघा बाइन, सेकंड है हीरो का राजा देसे, थर्ड है गुप्पी बाघा फिरे हेलो। ये तीन जो पार्ट है आप लोग देख सकते हैं ज्ञान का भंडार हमको गाइड करते हुए। अगर पूरा डिटेल इनका मतलब थीम के बारे में पूरा डिटेल जानना है ना, तो इनका चैनल देख लीजिएगा, हर एक पैंडल का, मतलब इससे ज़्यादा पैंडल का, क्योंकि मेरा देखिए मेरा बाइक का चैनल है, मैं टूर दे रहा हूँ आप लोगों को, रास्ते बोल रहे रूट में एक्चुअली मिलेगा, एक्चुअली रूट के फोकस है यहाँ पे, तो मिल सकता है। तो अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इस पंडाल को देखने के लिए, सच में क्लियोपेट्रा और ये दोनों देखने के लिए अभी तक एक्साइटेड हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पंडाल। सो गाइस, अभी हम लोग जो नेक्स्ट पंडाल की तरफ आ चुके हैं वो है आरसीआई रोड धक्का में। इसका मैं गूगल मैप का लोकेशन लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, देख लीजिएगा। ये वाला जो बन रहा है, क्या आप लोग बोल सकते हैं कि ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, देख के नहीं लग रहा, लेकिन ये वाला बन रहा है केदारनाथ के थीम के ऊपर। केदारनाथ का जो मंदिर है शिव बाबा का, तो महादेव के मंदिर के ऊपर बन रहा है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते, ऊपर का जो चूड़ा है वो देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बना नहीं है कम्प्लीट, तो कम्प्लीट होने के बाद ये बहुत सुंदर दिखेगा। और मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि केदारनाथ मेरा फेवरेट प्लेस है, तो उसके ऊपर ये थीम बन रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। और इसका जो लोकेशन लिंक था, मैंने मैप का तो दे दिया, मतलब लोकेशन थोड़ा टूर वगैरह थोड़ा दे दिया आपको, रोड का थोड़ा अंदर मैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इंडिया ATM बोल के एक जगह है, मतलब यहाँ पे जूम नहीं कर सकता, इंडिया ATM बोल के एक जगह है, तो उधर उस साइड अपोजिट में घुस जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इधर तो टावर भी है बहुत बड़ा सा, बस इधर में ही है, मैं लोकेशन का लिंक दे दूँगा, एग्जैक्ट जगह का लोकेशन का लिंक दे दूँगा, आप किसी से भी पूछेगा तो बोल दीजिएगा, मतलब बोल देगा। बहुत अच्छा बन रहा है अभी तक तो, और मतलब ये थोड़ा ना हिडन जेम जैसा है आसनसोल में, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसका थीम बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलर थीम है, लेकिन लोगों को पता नहीं है इतना ज़्यादा, तो हम लोग का काम है लोगों को बताने के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, तो इसलिए बनाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पंडाल में। गाइज अभी इसके बाद जो जा रहे हैं वो मैंने एक दूसरा रास्ता लिया है, देखिए सीधा जा सकते हैं आप, सीधा जाके आप भगत सिंह मोर हाउस पर जा सकते हैं, पूजा सिंह पुलिस नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अंदर का रास्ता थोड़ा शॉर्ट भी होता है एक्चुअली, तो उधर से आप क्या कर सकते हैं, आप अंदर से जाएंगे तो लोअर कुमारपुर का जो रास्ता उधर में घुस जाएंगे, लोअर कुमारपुर से आपको सीधा जाना है। रास्ता थोड़ा ख़राब है मैं बोल देता हूँ, और थोड़ा धीमे चले जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत नैरो रोड्स है और लोग आसपास में ही रहते हैं, बच्चे बच्चे इधर उधर खेलते हैं, तो थोड़ा धीरे जाइएगा, बम्पर बहुत ज़्यादा है, तो आपको जाना है उधर से अंदर से, और अंदर से जाने के बाद ना यहाँ A few moments later. देख सकते हैं गाइज, हम लोग मेंदमा जा रहे थे, तो पीछे से एक ब्रिज आता है सृष्टि नगर के उधर से, गोपालपुर बोला था, तो देख सकते ये सुरंग, बाप रे बाप, इतना पानी कीचड़ कीचड़ हो गया है, इस सुरंग से हम लोग आए हैं। वो जो ब्रिज है ना, मतलब हम लोग ऐसे झुक के निकलना पड़ा, देख सकते इतना हाइट में ब्रिज है, बहुत डेंजर है गाइज, बहुत डेंजर है। आपको वीडियो बना रहे हैं हम लोग तीनों मिलके, एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तीनों के चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। ट्विस्ट था, देखिए ट्विस्ट किया था, तो आप एक तो एकदम सर के, मतलब जो हम लोग 5 फुट 5.5 फुट का जो मतलब हम लोग लड़के होते हैं उनके भी हाइट से नीचे एक तो छोटा सा एक तो मतलब सुरंग जैसा एक तो ब्रिज था, तो उसके ऊपर से ट्रेन जाता है, तो उसके नीचे से हम लोग को थोड़ा झुक के जाना पड़ा है। बाइक लेके आप एकदम मतलब वो सुपर बाइक वाला स्पोर्ट्सर में बैठ के निकल सकते हैं, एकदम छोटा होकर आपको निकलना पड़ेगा। तो निकले उधर से, और निकलने के बाद मतलब वो शॉर्टकट में चक्कर एक्चुअली में फंस गए थे, गूगल मैप को भरोसा नहीं करना चाहिए था हमको, तो बोला फंस गया था। तो मैं आप लोगों मतलब यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए पूजा के समय आप लोग अच्छा खासा ड्रेस पहन के निकलेंगे, तो उधर से बिल्कुल मत जाइएगा, एकदम मेन रोड पकड़ लीजिएगा, कुल्टी से पहले ही आपको गिर जाएगा वो वाला, मतलब कुल्टी से पहले ही है ये वाला मेंदमा, इसका नाम बहुत फेमस है, कोई भी दिखा देगा, नहीं दिखाएगा कोई भी दिक्कत नहीं, मैं लोकेशन दे दूँगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मतलब सीधा जाइएगा जाते जाते आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अंदर में थोड़ा रास्ता है, जो रास्ता एक्चुअली जाता है मंडप की तरफ, पंडाल की तरफ, वो वाला रास्ता बहुत ख़राब है भाई। मेरे को पता नहीं पूजा में ये लोग कैसे भीड़ को संभालेंगे, बहुत नैरो है, बहुत ख़राब है। और सामने देख सकते हैं आपका पंडाल है, और ये बहुत फेमस पंडाल है। चलिए इसका भी ड्रेस ले लेते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो का लास्ट पंडाल टूर में, लास्ट पंडाल में एक्चुअली ये है आपका मेंदोमा के साइड में, तो बालू घुस गए थे मुंह में, मेंदोमा के साइड में। और यहाँ पर जो गाइस हो रहा है ना, जो हो रहा है ना, सारा वो पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। द बुर्ज खलीफा देख सकते हैं, ये 130 फुट इस टाइम 130 फुट हो रहा है। इससे पहली बार श्रीभूमि में हुआ था, और इस बार आसनसोल में हम लोगों के लिए बनाया गया है। 130 फुट देख सकते कितना बड़ा। तो आप अब इसका मतलब, ये जो इतना नैरो इलाका है, मैं सोच रहा हूँ पूजा के समय इतना भीड़ लोग कैसे संभालेंगे। बहुत इधर तो घुसना मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, इतना बड़ा लाइन लगता है इधर जहाँ से घुसे थे हम लोग मेंदमा में, वहाँ से सड़क बहुत टूटा फूटा है। हो सक मतलब अगर मैं रेकमेंड करूँगा एकदम रात को आइए या फिर एकदम सुबह आइए, एकदम तब देख पाएंगे। एकदम रात को आइएगा तो लाइट मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगा, रात में लाइट मिल जाएगा। तो बहुत सारा हो रहा है गाइज। और इसका तो मैंने पूरा रूट दिखा दिया है आपको, आपको जो हम लोगों का मनोज सिनेमा हॉल होके जो रास्ता है उधर से आना पड़ता है सीधा। मैंने आपको रोड दिखा दिया है, और गूगल मैप में लोकेशन का लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस सच में ये बहुत ह्यूज होने वाला है, और ये आसनसोल वासी के लिए गर्व की बात है। पिछली बार कोलकाता ने किया था, इस बार आसनसोल ने किया अपना खुद का बुर्ज खलीफा। तो या आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन, एंड आशा करते हैं कि बहुत अच्छा लगा। वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस। हम लोग तो आएंगे ही, आप लोगों को मिलना होगा तो आ जाइए, ऐसे मिल नहीं पाएंगे इतने भीड़ में। कब आप लोग निकलेंगे, कब हम लोग निकलेंगे, लेकिन आएंगे जरूर। बहुत तगड़ा बनाया। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी मजेदार वीडियो में। टिल देन राइट से स्टे सेफ। आई एम अरिंदम विद द देसी बॉम्ब विद सुपर बिजी सुपर बाइक सूर्या साइनिंग ऑफ। पीस। Bye-bye. Take care.